ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद् गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 20. अगर हम लोग एक बार फिर से श्लोक नंबर 1 में जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था ना भगवान से, उसको अगर देखेंगे ना तो उसमें भगवान से उसने क्या पूछा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं येयं च केशव. अर्जुन ने पूछा प्रकृतिम पुरुषम चैव, यानी कि प्रकृति पुरुष और इसके अतिरिक्त, पहले तो प्रकृति और पुरुष की बात की ना, उसके बाद बोला क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च. क्षेत्र क्या है, पहले पूछा प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, उसके अतिरिक्त क्षेत्र क्या है. भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया, क्या है ये शरीर. क्षेत्रज्ञ, दो तरह के क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया कि ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो इंडिविजुअल अपने अपने शरीरों के विषय में जानती है, और जो परमात्मा बैठा हुआ है क्योंकि वो समस्त शरीरों के भीतर है इसलिए वो सबको जानता है, इसलिए दो क्षेत्रज्ञ है. एक वेद तुम इच्छा में जानना चाहता हूँ ज्ञानम. अब ज्ञान क्या है, ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे ज्ञान के टॉपिक बताया कि देखो अगर आपके अंदर ये सब चीजें होंगी ना, जैसे नम्रता सहनशीलता और सरलता, प्रमाण गुरु के पास जाना, पवित्रता, ये सब ज्ञान है. इंद्रियों के को विषयों से रोकना, ये सब ज्ञान है. अब कितना हमारे अंदर ज्ञान होगा, भगवान ने कहा जितना आपके अंदर ज्ञान, ज्ञानम ज्ञेयम तरीके से, ये रियल में ये सब ज्ञान है. अब जितना हमारे अंदर ज्ञान होगा उतना ही हमें उतने ही हम भगवान के निकल जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का मकसद, अभी देखो यहाँ पर ज्ञानम के बाद क्या है, ज्ञेयम के जानने का लक्ष्य क्या है, क्यों जाने हम लोग, ज्ञान क्यों प्राप्त करें, ताकि जितना हमें ज्ञान होगा उतना ही हम भगवान के निकल जाएंगे. यहाँ पर एक बात तो फिर भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान ने देखो ये जो बताया था ना 8.12 में कि ये सब ज्ञान है. अब ये सब अगर हमारे अंदर क्वालिटीज हम
इंक्रीज करेंगे तो ही हम भगवान के करीब 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 जाते रहेंगे। लेकिन अगर इनको देखें हम लोग थोड़ा गौर से, तो ये तो भगवान ने लास्ट में क्या कहा था, इसी 12वें श्लोक के लास्ट लाइन अगर हम लोग देखें तो उसमें लिखा एक ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो मैंने अभी अभी जो चीजें बताई ना आपको 20-22 चीजें जो बताई हैं वो सब ज्ञान है मेरे द्वारा। और आगे बोला अज्ञानम यदतोन्यथा, और इसके अतिरिक्त जो है वो अज्ञान है। अब यहाँ से ये भी तो समझ में आता है कि ज्ञान यदि हम लोग जितना जितना अपने अंदर विकसित करते जाएंगे उतना उतना भगवान के करीब जाएंगे, और अगर जितना जितना अज्ञानता हमारे अंदर विकसित होती जाएगी उतना उतना हम भगवान से दूर होते जाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो 8.8 से लेकर 12 तक उनको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अपोजिट में देखेंगे। पहला है विनम्रता, विनम्रता से भगवान के करीब जाएंगे। और विनम्रता का अपोजिट क्या होता है, अहंकार। अहंकार अगर हमारे अंदर होगा तो हम भगवान से दूर जाएंगे। दम्भहीनता यानी कि वो ना क्या बोला दम अदम्भता यानी कि बहुत गुरूर मगरूरी, उससे हम भगवान के दम्भहीनता यानी कि जब हम अपना गुरूर नष्ट होगा तब हम भगवान के करीब हो जाएंगे, लेकिन जब हमारा गुरूर हमें होगा तो फिर हम भगवान से। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब बताया था याद है ना आप लोगों को, अहिंसा का मतलब है कि लोगों को दुख भोगने से बचाने के लिए उनको प्रचार करो। अब जितना हम वो करेंगे ये ज्ञान करेंगे तो हम भगवान के दूर जाएंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो अगर हम प्रचार करेंगे भगवान के पास और निकट जाते रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा भगवान से दूर होते जाएंगे। सहिष्णुता, सहिष्णुता क्या मतलब है कि बर्दाश्त करना, अगर बर्दाश्त करेंगे हम काम। अब अगर इस बाकी सारी चीजों को एक एक करके आप लोग भले बाद में देख लेना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी जजमेंट करें ना तो इसमें क्या होगा सारा उलट उलट है। हम हमारे अंदर कहाँ नम्रता, कहाँ अहिंसा, कहाँ सहिष्णुता, कहाँ सरलता, कहाँ जाके हम इंद्रिय तृप्त से अपने विषयों को रोकते हैं, कहाँ अहंकार का अभाव है, कहाँ ये सब हम लोग करते हैं अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति अभाव। ये सब नहीं करेंगे तो भगवान के करीब नहीं जाएंगे, ये ज्ञान है। बहरहाल ये आज का था नहीं टॉपिक, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा शेयर किया जाए। आगे बताया ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान तो ये सब है, और ज्ञेय क्या है, आत्मा और परमात्मा को संपूर्णता से समझना, रियलिटी में क्या है तत्व ज्ञान हासिल करना वो क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछे। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दो दो पहली चीजें है ना, प्रकृतिम पुरुषम चाहेगा वो भगवान ने पहले रखी थी, तो आज उनके विषय में, क्योंकि बाकी सब तो भगवान ने बता दिया कि क्या क्या है, आज प्रकृति और पुरुष के विषय में भगवान बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 13.20 प्रकृतिम पुरुषम चाहेगा विज्ञानादि उभावपि। अब प्रकृतिम यानी कि जो प्रकृति है भौतिक प्रकृति, संसार है जो भी भगवान ने बनाया, एक तो देखो गौलव वृंदावन नाम है, और इसके अतिरिक्त जो भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी ब्रह्मांड बनाए हैं जो भी है, और दूसरा पुरुष। अब पुरुष कौन है, एक तो पुरुष वो है जो जीव आत्मा है, यहाँ पर उसको उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव, विद्य अनादि, विद्य मतलब जानो उसको, क्या समझना है तुम्हें, कैसे जाना है, क्या कैसे जानना है प्रकृति और पुरुष को, अनादि अनादि विद्य अनादि, अनादि का मतलब होता है आदि रहित मतलब इसकी कोई शुरुआत। देखो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं ना, श्लोक के अंदर से वर्ड को निकाल के उसके मीनिंग हम बताते हैं, वास्तव में पता है यही समझने की चीज है। ये तो भगवान ने जो गीत गाया था ना, जिसे हम भगवद गीता बोलते हैं, ये वही वर्ड्स हैं, उनको हमें डिक्लेयर, ये सारा तात्पर्य, ये सारा अनुवाद इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये इन शब्दों पे डिपेंड करता है। वैसे क्या होता है कि हम लोग जिधर भी जाएंगे ना, कोई लोग हमें ये भगवान के वर्ड्स नहीं बताते हैं, भगवान ने क्या बोला है उन वर्ड्स। देखो गीत जो होता है उसके सारे गीतों के कोई ना कोई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन रस तो उस लय में होता है ना, उन शब्दों में होता है जो कि गीत में होते हैं। जैसे कोई भी सॉन्ग, जैसे आप लोगों को आता होगा कोई भी सॉन्ग हो, आप उसको ना अगर गाते हो तो आपको मजा आ रहा होता है, लेकिन अगर आप उसके मतलब को, जैसे देखिए ऐसे
एक सॉन्ग गाते हैं, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरों से डरता हूँ मैं। अब देखो ये कितना इजी है वर्ड, लेकिन इतने मीठे लगते हैं क्योंकि ये जो गाए गए हैं उसके अंदर लिरिक्स है, उसके अंदर साउंड है, उसके अंदर भाव है। लेकिन अगर इसी बात को आप ट्रांसलेशन में खाली बोलते हो, कि भाई एक बच्चा कह रहा है कि मुझे वैसे तो मैं अपनी मम्मी को बताता नहीं हूँ लेकिन मुझे डर बहुत लगता है अंधेरों से, इसमें कोई काम नहीं है। अब इसी तरह से देखो भगवान ने जो शब्द कहे ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को उन शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब श्लोक पढ़ो तो श्लोक के जो वर्ड्स में लिखे होते हैं ऊपर उनको देखो, तो भगवान ने तो वही गीत गाया है, रस तो उसी में है। बाकी सब जो हम पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद का जो पर्पट है, जो अनुवाद है, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन शब्दों के बारे में है। अब हम लोगों को क्योंकि समझ में ज्यादा, अब कुछ लोग बोलेंगे लोग तो वैसे भी संस्कृत समझते नहीं है और आप झाड़ती हो कि भैया ना संस्कृत ही समझ, अरे नहीं समझते हैं तो उसी के लिए तो पर्पट बता ही रहे ना, लेकिन उनको मैं कैसे निकाल सकती हूँ। मतलब अगर आप पूरा जो सत्व है, पूरा तत्व है, जो पूरी रियलिटी है श्लोक में से निकाल दोगे तो उस श्लोक के अंदर रहेगा क्या। तो कृपया मैं रियलिटी में यही चाहती हूँ कि आप लोग उन शब्दों को इम्पोर्टेंस दो जो कि भगवान के मुख से निकले हैं। गीता इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कृष्ण ने वो गीत गाया है, तो उस गीत को भी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकृति पुरुषम चैव। अब प्रकृति यानी कि ये भौतिक प्रकृति, पुरुष यानी कि जो जीव है, च मतलब भी, एव मतलब निश्चय ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। विद्यनादि, किसमें शक नहीं है कि इसको आपको अनादि मानना है। अनादि मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये अनादि है, आदि रहित है। उभाव ये है ना, उभाव अपि, उभाव का मतलब होता है दोनों, अपि मतलब दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। आगे बताया विकारांश गुणांश, विकार, अब विकार होते हैं इस संसार में जो प्रकृति है उसमें विकार मतलब चेंजिंग आती है, और वो कैसे होती है, गुणांश, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार चेंजिंग हो रही होती है, निश्चय होती है। विधि प्रकृति संभवान, विधि मतलब जानो, प्रकृति मतलब प्रकृति से संभवान मतलब उत्पन्न। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि रहित समझना चाहिए और उनके अंदर जो विकार तथा गुण हैं वो प्रकृति जन्य है। अब किसके अंदर, जीव के अंदर जो चेंजिंग हम लोग देखते हैं या प्रकृति के जो हम अंदर चेंजिंग देखते हैं वो गुण प्रकृति, गुणों के जरिए होती है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके जरिए इसके अंदर ये जो गुण है ना, इनको 17th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य, यानी कि ये जब अध्याय हम पढ़ लेंगे तो इससे मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, शरीर क्या है ये क्षेत्र है और शरीर का ज्ञाता कौन है, जीव आत्मा और परमात्मा, ये दो है ना अलग अलग हमने पढ़े, उनको जान सकता है। शरीर कार्य क्षेत्र है, ये शरीर जो है वो कार्य क्षेत्र है ना, क्योंकि इस शरीर के जरिए ही आत्मा जो भी करना होता है, आत्मा को चाहे भक्ति करनी होती है तो भी शरीर के जरिए उस शरीर जरूरी है। और प्रकृति से निर्मित है, अब ये शरीर प्रकृति से निर्मित है, यानी शरीर कार्य क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। किस चीजों से बना हुआ है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना 24 तत्व, ये पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार और गुण, इनसे बना हुआ ये प्रकृति है ना, सारी प्रकृति की सारी चीजें इन्हीं से बनी हुई है। तो ये कहा गया कि ये प्रकृति से निर्मित है, शरीर के भीतर बुद्धि तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। अब पुरुष के बारे में बता रहे कि प्रकृति तो पता चल गया, अभी पुरुष के बारे में बता रहे कि पुरुष क्या है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना प्रकृतिम पुरुषम चैव, तो अब पुरुष कौन है जो शरीर के भीतर बद्ध मतलब कैद है तथा उसके कार्यों का
भोग करने वाला, अब बेचारा परेशान है, तकलीफ में है, खेद है, और जो भी शरीर कर रहा है तो उसको भुगतना पड़ता है, कभी कुत्ता बन के आना पड़ता है, कुत्ते के शरीर में जाना पड़ता है, कभी कॉकरोच के शरीर में जाना पड़ता है, क्या करे बेचारा, खेद है ना। अभी यहाँ पर बताया कि एक तो बद है और उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। जीव पुरुष जो है वो कौन है, जो आत्मा अंदर बैठा हुआ, वह ज्ञाता है और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है। ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आत्मा ज्ञाता है, उसको सब कुछ खबर है, और उसके अंदर उसके अतिरिक्त दूसरा ज्ञाता वो कौन है, परमात्मा, जो समस्त प्राणियों के हृदय में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे है जो परमात्मा है, ठीक है। निस्संदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अब ये बात को देखो, समझने की कोशिश करो कि ये समझना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां, यानी कि भगवान की शक्तियां हैं। ये परमात्मा जो है वो भगवान की शक्ति है, दिस इज नॉट कृष्ण। आगे देखो, साफ साफ कहा ना, ऐसे नहीं कहा श्री प्रभुपाद ने कि आत्मा तो आत्मा है और परमात्मा भगवान स्वयं है, ऐसे नहीं कहा। ऐसे कहा, यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां। जीव आत्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात स्वांश अंश है। देखो, जीव आत्मा क्या है, भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है, मैंने बताया था ना भगवान की तीन शक्तियां होती है, कौन कौन सी, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा और एक तटस्थ शक्ति। तो जो जीव है वो कौन सी शक्ति है, तटस्थता है। अब तटस्थता की क्या क्वालिटी है कि वो तट के मतलब सेंटर में है, वो अकेले नहीं रह सकती। तट पे क्या, हम लोग सेंटर में जब साउंड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, चौखट, उसके ऊपर हम लोग नहीं खड़े रह सकते। या तो हमें अंदर आना होगा या तो बाहर जाना होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम अंदर आएंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी अलादनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति अर्थात भक्ति, उसकी शरण में जाएंगे। और अगर हम बहिरंगा शक्ति के असर में चले गए तो बहिरंगा शक्ति क्या है, ये जो संसार है, माया है, उसके असर में चले जाएंगे। तो ये तटस्थ शक्ति जो होती है वो अपना डिसीजन खुद लेती है कि मुझे किधर जाना है, अपनी इच्छा के अनुसार उसको जाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या बताया कि परमात्मा उनका साक्षात स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। ये बात समझनी चाहिए कि ये प्रकृति भी भगवान श्री कृष्ण की जो है वो भी नित्य है और जो जीव है वो भी नित्य है। वो कैसे नित्य है, श्री गोपाल जी बोलते हैं तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले ही विद्यमान थे, यानी कि जब अभी तक भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई थी तब से ही है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। जो संसार में भौतिक नजर आ रहा है ना हमें, वो सब भगवान की शक्ति है। कौन सी है, बहिरंगा शक्ति। और उसी प्रकार जीव भी है, जीव भी भगवान की शक्ति है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव कौन सी है, जीव श्रेष्ठ है। और आगे बताया, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है, यानी कि जब संसार में भगवान ने ब्रह्मांड बनाया ना, उससे पहले क्या क्या बना दिया था, प्रकृति और जीव। यानी साफ साफ बताया, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व ही विद्यमान थे। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई। अब क्या हो गया था, जब प्रलय हुई तो महाविष्णु, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि जिनकी मुक्ति हो गई वो तो भगवान के धाम में चले गए, लेकिन जिन जिन के अभी तक कार्य रह गए थे, अभी देखो स्टार्ट नहीं था कुछ भी, स्टार्ट में सब कुछ पहले ही भगवान ने जब भौतिक ब्रह्मांड बनाया ना, उस टाइम पर ही सब कुछ था। अब क्या हुआ, जब प्रलय हुआ तो जिन जिन के कर्म अभी बाकी थे वो सब कहाँ चले गए, महाविष्णु के पास चले गए। और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्त्व के द्वारा प्रकट हुए, यानी कि जब भगवान को वापस से ये सब प्रकट करने का मूड हुआ तो भगवान ने महत्त्व, अब महत्त्व क्या, 24 तत्व हम पढ़ते हैं ना, 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय मन बुद्धि अहंकार और 3 गुण, ये महत्त्व, इनके जरिए से भगवान ने सारी रचना की। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, किनके भीतर रहते हैं, प्रकृति के अंदर ही रहते हैं। और चूंकि वे बद्ध हैं अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। अब क्योंकि बद्ध हैं, कैद है ना, देखो जीव भगवान की प्रकृति के अंदर कैद है, प्रकृति शरीर, प्रकृति हुई ना शरीर के, इन 24 तत्वों से बना हुआ, इसके अंदर इस जीव को कैद कर दिया गया कर्मों के अनुसार, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। अभी
इतना विमुख हो गया, गुण इसके ऊपर इतने जो प्रभावित हो गए, प्रकृति माया ने इसको इतना जकड़ लिया है कि वो अपने रियल काम नहीं कर रहा। उसका रियल काम खाली जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। और हम बोलते हैं इतना तो कर रहे ना, बस कर रहे। नित्य का क्या मतलब है? नित्य का मतलब होता है कि यू हैव नॉट एनी अदर वर्क एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ कृष्णा। आपको कृष्ण की सर्विस के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना। अब इतना आप उसको लिमिटेड कैसे कर रहे हो कि भाई मैं मंगला आरती कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, इतना मेरे लिए काफी। ठीक है, वो क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि क्योंकि वो जीव जो है वो बद्ध है, इसलिए परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। अब क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली सरेंडर नहीं है ना। अब कम्प्लीटली सरेंडर होगा तभी उसको जाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर मिलता है। यानी कि जब वो महाविष्णु के अंदर होते हैं तब वो ऐसे ही रहना पड़ता है उनको, पर मतलब वो कुछ कर नहीं सकते, वो है ना कार्य लेस होते हैं। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर, यानी कि जब वापस से भगवान प्रकृति की रचना करते हैं उन्हें भौतिक जगत में, अब फिर उनको भौतिक जगत में ये शरीर मिलता है, मनुष्य देह मिलती है, तो पुनः कर्म करने वापस से वो ऐसे कार्य करें। कैसे कार्य करें? भगवान की भक्ति इत्यादि, जो भी ये जो नवदा भक्ति है वही काफी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम। इस चीज को पता है, मैं भागवतम में अभी पढ़ रही हूँ कि जो मनुष्य का जो पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो किस कैसे है, क्यों हम लोग ये सब क्यों हासिल करते हैं। धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है कि आप इतना करो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये लिमिटेड नहीं हो सकता है। इसका लक्ष्य क्या है कि मोक्ष, और काम का लक्ष्य क्या है? ख्वाहिश। काम मतलब ख्वाहिश ना, ख्वाहिश आपको इतना पूरा करो कि आप धर्म तक पहुंच सको। यानी कि आप इतना खाओ, इतना अपनी इंद्रिय तृप्ति करो कि आप धर्म को पूरा पूरे तरीके से फॉलो कर सको। धर्म अर्थ और काम, अर्थ का क्या है कि अगर आपको आपके पास धन है तो धन किस लिए? इसलिए नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को खाली पूरी करते रहो। धर्म अर्थ का मतलब होता है कि आप उससे धर्म करो। सारा का सारा डिपेंडेंट करता है धर्म पे। और मोक्ष तो वैसे ही इन सारी चीजों का बोध जब हम भागवतम पढ़ेंगे ना, इस चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करूंगी। बारह यहाँ पर तो यही बता रहे हैं कि उस जब आप महातत्व, जब ये सारा महाविष्णु के अंदर आप कैद होते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब भौतिक जगत वापस से आता है तो कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर मिलता है। ये सिर्फ एक अवसर मिला है, ये कुछ एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। अब खुद बोलो, जहाँ पर भगवान ने खुद कहा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्वम 9.32, भगवान ने कहा देखो ये लोग अनित्य है, असुख है, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम्हारे रहने की जगह तो मेरे पास है, तो एवं प्राप्य भजस्वम, इसको प्राप्त करने के बाद तुम ये सोचो नहीं कि मैं यहाँ पर मजा कैसे करूँ, मैं यहाँ पर एंजॉय कैसे करूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा कैसे लगे, लोग मुझे यहाँ पर अच्छा, ये जो तुम्हारा कचरे वाला देह है ना उसको अच्छा कोई कहता है या नहीं कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। मजा तो तब है जब तुम आध्यात्मिक स्टेज पे जाओ और परमात्मा बोले, भगवान हृदय से बोले कि हाँ ये कितना अच्छा है मेरा बच्चा। तो ये हमें कमेंट्स मिलने के लिए या इसकी तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। अब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भौतिक सृष्टि का क्या रहस्य है कि जो बच्चे मेरे नहीं आ सके हैं मेरे पास, तो भगवान उनको वापस अवसर दे रहे हैं कि कुछ तो करो तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें बोला हूँ अपने आप को थोड़ा काबिल बनाओ। वास्तव में जीव आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है। अब असल में हमारी रियलिटी क्या है? भगवान का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बंद रहता है। अब ये हमारी कोई नालायकी है, हमारी कोई काले करतूत है, विद्रोह किया भगवान के साथ हमारी हमारे इस जीव ने। सो ये क्या किया हम लोगों ने, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ पहली लाइन में बता दिया, विद्यनादि उभावतो। वो आप स्टार्ट को क्यों जानते हो, इस चीज को श्री भक्तिपाद इतना अच्छे तरीके से बताते थे। जब पूछता था ना कि हम आए क्यों,
हम जब भगवान के अंश हैं तो हमने अपराध किया क्यों? तो श्री भक्ति पाद बोलते थे, देखो बेटा तुम आ गए हो उसके लिए चिंता करो ना। अब कोई जैसे समुद्र में गिर जाता है तो क्या सोचता है कि मैं क्यों गिरा, मैं तो सीधा सीधा सूखे साइड से जा रहा था, मैं कैसे गिरा, मुझे नहीं गिरना चाहिए था, वो कौन था जिसने मुझे गिरा। तो दफा करो, पहले उसका हाथ पकड़ो जो तुम्हें निकाल सकता है, बाहर तो निकलो। और जब हम लोग बाहर निकल जाएंगे भौतिक प्रकृति से वापस भगवान के धाम में चले जाएंगे तो बाहर आके कैसे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वजह थी, यहाँ से स्लोप था बना हुआ जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गया था और चला गया, तो वहाँ पर जाके पता चल जाएगा ना वापस। लेकिन मेन कार्य क्या है, निकले तो सही इधर से, निकलने का तो सोचे, निकलने का सोचते ही नहीं। फिर ये वाली बात आती है ना कि भाई अनादि, तो बोले अनादि कैसे हो सकता है, हमने शुरू में ऐसा क्यों अपराध किया। तो ये यहाँ पर बताने श्री गोपाल जी साफ साफ बताएं, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बंद रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया। श्री भोपाल भी यही बोल रहे, देखो अभी हमने बात की ना, श्री भोपाल जी बोलते इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुम कैसे फंसे, कैसे बद हो गए, तुम प्रकृति के संपर्क में आए कैसे, प्रकृति के अंदर तुम क्यों बद हो गए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। भगवान तो जानते ही है ना, अब भगवान ने अंडरस्टैंड तो नहीं किया होगा ना कि हम लोगों को यहाँ पर धक्का धक्का मार के गिरा दिया। जरूर हमारे कोई काले करतूत होंगे कि भगवान ने अपने नाम से हमें निकाल दिया, लेकिन क्या किया वो तो भगवान ही जानते हैं। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकर्षित हैं वे कठिन जीव संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि ये भगवान ने शास्त्रों में बता दिया है कि जो यहाँ पर संसार में कठिन संघर्ष कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा आकर्षित हैं। वो मेरी तरफ आकर्षित नहीं है, संसार में उनकी कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालसा है जिसकी वजह से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। यानी कि ये जो भगवान ने अभी बताया उनके जरिए हमें क्या समझ लेना चाहिए, निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, ये जो प्रकृति के तीन गुण है ना, वो हम पर हावी हो जाते हैं। कभी सत्वगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है। उनके द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है, ये प्रकृति की उपज है। और क्योंकि हम प्रकृति शुरू से ही थी तो उस टाइम पर भी ये विकार जब ऊपर उनके ऊपर है तो जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। अब जीव के अंदर जितने भी है ना विकार आते हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति की उपज है तो शरीर के अंदर वो सारे स्वाभाविक है कि गुणों का असर होता रहता है। तो जहाँ तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। यानी कि आत्मा तो सारी एक सी है, उनकी क्वालिटी एक ही सी है, लेकिन क्योंकि शरीर सबका अलग अलग है, उसके अनुसार वो गुण उनके अंदर होते हैं और उसके अनुसार वो कर्म करता है। लेकिन इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए ना, अब मनुष्य देह मिला है तो इसके अनुसार हमें, अब देखो दूसरे दूसरे जानवर योनियां होती हैं, पशु योनियां, पक्षी योनियां, वो लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते कि भाई हम लोग का जन्म क्यों हुआ है। लेकिन जब मनुष्य योनि मिलती है, जब गुरु मिलते हैं, जब शास्त्र समझते हैं, तब हमें ये तो समझ लेना चाहिए ना कि ये जन्म मिल गया है, पहले जो काले करतूत किए थे वो छोड़ो, लेकिन अब तो ये जन्म क्यों मिला है, ताकि हम वापस से भगवान को प्राप्त करें। तो जो चीज इम्पोर्टेंट है उसी के लिए सोचना चाहिए ना। कभी है ना हम लोग कहाँ सोचते हैं इसके लिए कि है ना हम लोग कैसे जाएं भगवान के धाम में। मेन मकसद है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कैसे कब कहाँ सोचते हैं कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के। अब तुम खुद सोचो, खाली एक में थोड़ा सा मुझे कल से माइंड में आ रहा था कि देखो अगर आपका कोई लवर होता, कोई प्रेमी होता, वो आप लोगों को कोई मैसेज भेजता, तो क्या आप ऐसे सोचते कि नहीं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगी इसको, या फिर है ना अभी मैं ना कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बाद में पढ़ूंगी ना, रात को पढ़ूंगी। ये भगवान से प्रेम करते होते तो क्या हम लोग भगवान के वचनों को इतना वैल्यू नहीं देते थे उतनी, या कैसे होता हर वक्त मोबाइल को टच करके देखते हैं, मैसेज आया उसका मैसेज आया। ऐसे क्यों नहीं हमारे लिए भगवद गीता के विषय में होता, क्या मैंने ये नहीं बताया कि भगवद गीता कृष्ण के प्रेम वाक्य है,
ये कृष्ण का लव लेटर है आपके लिए, क्या किसी का लव लेटर आता है अगर जो अपने यहाँ भौतिक शरीर से जो प्रेम करते हैं किसी से, तो क्या उसको इतनी कम वैल्यू देते हैं कि भले ठीक है ये कल पढ़ देंगे परसों पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है भगवद गीता का श्लोक। लेकिन जब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, देखो हम कितना प्रेम करते हैं इसका डिसीजन हमें खुद लेना है। तो अब मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह से भगवान के जो शब्द हैं, भगवान के जो श्लोक हैं, वो अब तक हमने कभी भी पढ़े नहीं है, ना ही कभी है ना किसी से सुनने का मौका। देखो तात्पर्य और ट्रांसलेशन ये सुनना एक अलग बात होती है, भगवान के जो शब्द हैं उनके ऊपर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है श्री प्रभुपाद और महान विष्णु की कृपा है कि हम लोगों को इस तरह अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, उसको थोड़ी तो हमें अब इतना मुफ्त में आप लोगों को मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक है, नेचर है ये जो भौतिक प्रकृति में हम सब की, कि जो आसानी से चीज मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, और अगर आप इन चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हो ये तो नेचुरली है। हरे कृष्ण।